हेलो क्लास, पीटीटी 2023 का एग्ज़ाम आने वाला है, 21 मई से शुरू हो रहा है। तो हमने कुछ मॉक टेस्ट तैयार किए हैं जिसमें हिंदी के टॉपिक वाइज सारे टॉपिक कराए जाएंगे। तो इस मॉक टेस्ट में संधि, प्रत्यय और उपसर्ग के 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष, सम प्लस तोष, संतोष व्यंजन संधि होगी। सेकेंड क्वेश्चन है, सूर्य उदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सूर्य उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य उदय गुण संधि होगी। थर्ड क्वेश्चन है, भानुदय में प्रयोग संधि का नाम क्या है? भानु प्लस उदय, भानुदय दीर्घ संधि हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा उत प्लस ज्वल, ज्वल सेकंड, ये व्यंजन संधि हो गई। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र इसमें दीर्घ संधि हो गई। संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संगम, सम प्लस गम, संगम सेकंड होगा, इसमें व्यंजन संधि हो गई। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का वो नाम बताइए। तो उच्चारण उत् प्लस चारण, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि का। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लेख, उत प्लस लेख, उल्लेख यह भी व्यंजन संधि का होगा। स्वागतम में प्रयोग संधि का नाम क्या है? स्वागतम, सु प्लस आगतम, यह हो जाएगा यण संधि का। आगे देखते हैं, हरिश्चंद्र में प्रयोग संधि का नाम क्या है? हरिश्चंद्र, हरि प्लस हरि विसर्ग प्लस चंद्र, तो हरिश्चंद्र इसमें विसर्ग संधि होगी। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते, नम विसर्ग प्लस ते, नमस्ते विसर्ग संधि होगी। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र सेकंड सही होगा, इसमें दीर्घ संधि। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत् प्लस श्वास, उत प्लस श्वास व्यंजन संधि हो गई। निर्जन में प्रयोग संधि का नाम क्या है? निर्जन, विसर्ग संधि होगी, नी प्लस जन। आगे देखते हैं, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर सेकंड, इसमें यण संधि होगी। उदाहरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस हरण, उदाहरण। तेजोमयी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तेज विसर्ग प्लस मय, तेजोमय। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वाता प्लस अनुकूल, वाता प्लस अनुकूल, ये देखना अनुकूल में नू में छोटा हुआ है और कू में बड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राका प्लस ईस, यानी डी सही होगा। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? नी प्लस रोग, विसर्ग संधि का उदाहरण। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभि प्लस उदय, यण संधि। गुड़ घोड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गुड़ घोड़, घोड़ा प्लस दौड़, दीर्घ संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यशा विसर्ग प्लस द, यानी यशोदा विसर्ग संधि। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उदय, महा प्लस उदय डी सही होगा। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का दिगंबर, रत्नाकर, दृष्करम, ये सारे व्यंजन संधि के, तो फर्स्ट हो जाएगा वागीस। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यद्यपि, यण संधि है, यह बंदर, यह क्या आगे आधा द है। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस इत्र, बड़ा ओ।
व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? व्यर्थ, वी प्लस अर्थ, व्यर्थ, ई प्लस अ का फर्स्ट सही होगा। निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, इस शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तदोपरांत ये गलत है, बाकी सही है। स्वर संधि में कितने भेद होते हैं ये सबको पता ही है, 5। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस मति फर्स्ट। परोपकार में प्रयोग संधि का नाम क्या है? गुण संधि। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस चल। ये पीछे उसका संधि पूछा था, अभी विसर्ग को संधि विच्छेद पूछ लिया। सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्त प्लस ऋषि कौन सा होगा? डी, इसमें बड़ी ई थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण अधोगति, क्योंकि उच्चारण दिगंबर और ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। दिगंबर में प्रयोग संधि का नाम अभी बताया था, व्यंजन संधि। स्वागतम में प्रयोग संधि का नाम सु प्लस आगत, यण संधि। तपोवन में प्रयोग संधि का नाम तपोवन, तप विसर्ग प्लस वन, तपोवन विसर्ग संधि होगी। इसमें स्वर भी होती है यानी गुण संधि भी होती है, लेकिन गुण संधि में ओवन, ओवन कोई शब्द नहीं होता है, उवन, तो इसलिए विसर्ग संधि होगी इस शब्द में। अनवय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस ए फर्स्ट सही होगा। महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? महेश, महा प्लस ईस, महेश। इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, डी। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस अर्थक, विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्धित संधि का उदाहरण नहीं है? वर्धित संधि का, वर्धित संधि में बड़ा ए और बड़ा ओ बनता है, पहले में बन रहा है, दूसरे में बन रहा है, तीसरे में बड़ा ऊ बन रहा है, चौथे में बड़ा ओ बन रहा है। तीसरा गुरु उपदेश, ये गुण संधि का उदाहरण, सॉरी गुण नहीं, दीर्घ संधि का उदाहरण। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आशी विसर्ग प्लस वाद, सेकंड सही होगा। निम्न में से दीर्घ संधि उपयुक्त पद हैं दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि में क्या बनता है? बड़ा आ, बड़ी और बड़ा ऊ, तो देत्यारी। पवित्र में प्रयोग संधि का नाम पवित्र, पवित्र में हो जाएगा अयाधि संधि, पो प्लस इत्र, पवित्र। धरेश का सही संधि विच्छेद धरा प्लस ईस, सी सही होगा। मोहसन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उषण, छोटा ऊ, महा प्लस उषण, डी। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नी विसर्ग प्लस आशा, इसमें कहाँ पे है? सी, ये सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक पढ़ते नहीं है? तो ये आप कमेंट में बताना कौन सा नहीं है। ओके क्लास, क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।